आखिर कौन है मध्य प्रदेश का सफेद शेर? एक ही मकान के पते पर कहां से आ गए 300 वोटर? सफेद शेर का किसी नेता से क्या लेना देना है? क्या है सफेद शेर के पीछे की असल कहानी, सब बताएंगे आज। स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु सिंह। चुनावी माहौल के कारण फिलहाल मध्य प्रदेश में मौसम गर्मी जैसा है। घंटों तक नेताओं को 5 साल में एक ही बार जनता के द्वार जाना पड़ता है, फिर तो मौसम जनता के खिलाफ हो जाता है और उन्हें खुद अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। एक दूसरे पर राजनीतिक कीचड़ भी उछाले जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान कभी कमलनाथ की पार्टी को भ्रष्टाचारी कहते हैं तो कभी कमलनाथ शिवराज की पार्टी पर गंभीर आरोप करते हैं। यह तो मध्य प्रदेश की राजनीति के सफेद शेर के नाम से मशहूर श्रीनिवास से जुड़े अब अनगिनत किस्से हैं, लेकिन यहाँ हम एक ऐसा कुछ अलग किस्सा बताने जा रहे हैं जिसके सामने आने के बाद इस महान राजनेता ने चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया। जाहिर सी बात है कि मामला भी कुछ ऐसा ही नकारात्मक होगा। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेहद करीबी माने जाने वाले श्रीनिवास तिवारी के बारे में आरोप लगते रहे कि वह चुनाव में कुछ गलत कदम भी उठाते रहे। बीजेपी लगातार श्रीनिवास पर आरोप लगाती रही कि श्रीनिवास गलत तरीके से अपनाते हैं और चुनाव जीतते हैं। इसे लेकर एक बार बीजेपी ने आरोप लगाया कि श्रीनिवास अपने इलाके में फर्जी वोटर तैयार कर रखे हैं। मामले ने रफ्तार पकड़ी और अंततः यह आरोप हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट के आदेश पर श्रीनिवास की विधानसभा सीट से करीब 22,000 फर्जी मतदाताओं के नाम काटे गए। उस जमाने में एसके मिश्रारी बाकी कलेक्टर हुआ करते थे, उनके ही निगरानी में मतदाता सूची में पुनर्निरीक्षण का कार्य कराया गया। इसके लिए रीवा जिले के बाहर के कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया। अलग लेवल पर जांच हुई तो पता चला कि 300 वर्ग फीट के कमरे के पते पर 300 से ज्यादा वोटरों का ठिकाना दर्ज था। श्रीनिवास की चुनावी गड़बड़ी की संभावनाओं को रोकने के लिए मालवा और भोपाल से कर्मचारियों के विशेष दल भेजे गए। भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर अक्टूबर में 500 से ज्यादा थानेदार और सब इंस्पेक्टर के ट्रांसफर चुनाव आयोग की तरफ से किए गए। फर्जी वोटर तैयार करने का खेला उजागर होने के बाद श्रीनिवास ने चुनावी राजनीति से खुद को अलग कर लिया और उन्होंने कभी भी दोबारा चुनाव नहीं लड़ा। फर्जी वोटर तैयार कर चुनाव जीतने का ऐसा धब्बा लगा जिसने उन्हें अंदर से हिला दिया और उन्होंने इसके बाद राजनीति छोड़ दी। कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट करके बताएं और देखते रहें वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।